ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर मनपा कार्यालय में एक बार फिर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक सरकारी अधिकारी को फिर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इस अधिकारी का नाम अनिल खातुरानी है, जो मनपा का सहायक आयुक्त है। इस बारे में बिल्डर ने बताया कि अनिल खातुरानी प्लस प्लान पास करने के एवज में उसने 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसके बाद बिल्डर ने अधिकारी को पहले किस्त के रूप में 25,000 रुपये दिए थे। बाकी बचे 25,000 के लिए अनिल खतुरानी लगातार फोन करके बिल्डर को परेशान कर रहा था। आखिरकार अधिकारी द्वारा लगातार पैसों की मांग करने से परेशान बिल्डर ने इसकी शिकायत थाने एंटी करप्शन विभाग से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन विभाग ने अधिकारी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस महीने में यह दूसरी घटना है जब कोई मनपा अधिकारी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले भी एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन विभाग की इस कार्रवाई से मनपा कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। मेरा सोनार गली में प्लान पास का काम चालू था, उसमें मेरी वायलेशन नहीं थी, पर अनिल खतुरानी वायलेशन बोल के मेरे से 50,000 रुपये की मांगनी की थी। मैंने उसको 25,000 रुपये दिए थे अमन डाकिस पे, उसके बाद 25 और मांग रहा था। उसके लिए 25,000 देने के बाद 25 के लिए बहुत तंग कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, मैं परेशान हो गया था। इसलिए मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में एडिशनल SP साहब के पास गया, उन्होंने कंप्लेंट की, उन्होंने मुझे प्रजापति साहब से मिला के कार्रवाई चालू करवाई। वो कार्रवाई 1 तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी, 2 और 3 तारीख के बीच में पूरी कार्रवाई वेरिफिकेशन उनके प्रभाग में जाके 25,000 बाकी जो थे वो उन्होंने मांगे, वो वेरिफिकेशन करने के बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और उन्होंने अपने कार्रवाई के हिसाब से आज उन्होंने आज अपनी कार्रवाई पूरी की, मैं धन्यवाद।